हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है मैथमेटिकल फिजिक्स में, आज हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो अगर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं किया हुआ है तो मैट्रिक्स तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन करके ही जाना है। कुछ भी नहीं किया हुआ है तो ये वाला लेक्चर और इसके अगले वाला लेक्चर भी मैट्रिक्स का ही आएगा, तो वो दोनों जरूर कर। तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है रियल इन्वर्टिबल 3 बाई 3 मैट्रिक्स एम एज आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज है उसकी लैम्डा आई, आई की वैल्यू 1, 2, 3 एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आर ई आई 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है और उसकी जो आइगन वेक्टर है ई आई, तो उसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमने लिखी लैम्डा और ये उसकी आइगन स्टेट हो। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं ऐसे एम इनवर्स, तो एम इनवर्स ई आई, तो इसकी जो आइगन वैल्यू जो है हो जाएंगी 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि लैम्डा इनवर्स। अगर मैं यहाँ इनवर्स लगाता हूँ तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, लैम्डा इनवर्स हो जाएगी। ये चीज आपके क्वांटम में भी काम आएगी, वहां पर ध्यान रखना हो। तो ये होगा ई आई। तो अगर मैं लिखना चाहूँ एम इनवर्स ई वन, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 अपॉन लैम्डा 1 और ये बनेगा ई वन। इसी तरह से अगर मैं लिखना चाहूँ एम माइनस वन ई टू लिखना चाहूं मैं, ई टू, तो ये बनेगा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये 1 था और ये बन जाएगा ई टू। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूं ई थ्री के लिए तो ये बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 3 और ई थ्री। तो इससे मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एम इनवर्स ई आई किसके बराबर होगा, 1 अपॉन लैम्डा आई, 1 अपॉन लैम्डा आई ई आई, और फॉर आई इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, इसकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट हमें बताना है। आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है, मान लो इसकी आइगन वैल्यू λ1 λ2 है, तो वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट, इसके डिटरमिनेट के। तो इसका डिटरमिनेट निकालो तो कैसे निकलेगा, 0, ये आएगा 1 माइनस 0, फिर -0, ये पूरा 0 ही हो जाएगा, फिर लिखा जाएगा +1 और ये लिखा जाएगा 0 -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर रोटेशन इन प्लेन। तो हमें ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेट 1 के बराबर नहीं आएगा वो रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो अगर आप पहली मैट्रिक्स को चेक करते हो तो पहली मैट्रिक्स का डिटरमिनेट निकालोगे तो वो बनेगा sin²θ और +cos²θ, तो ये तो हो गया 1। इसी तरह से ये भी 1 दे देगी, ये भी 1 दे देगी, इसको चेक करो तो ये बनेगी -sin²θ और ये बन जाएगा +cos²θ, तो ये जो है 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ड्यूरिंग अ रोटेशन वेक्टर्स अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन रिमेन अनचेंज फॉर द रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, अगर उसको आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अनचेंज रहेगा। वापस बोल रहा हूँ, वेक्टर जो होगा अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन के, अगर उसको हम ये गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अनचेंज रहेगा। जैसे कि अगर मैं सीधा आपको इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, 0, 0, -1, ये है 1, 0, 0 और ये है 0, -1, 0। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इस वाले वेक्टर से, यानी कि 1, 1 और -1, तो 1 अपॉन √3 तो आगे आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मैट्रिक्स बनेगी 0, 1, 0, 0, 0, -1 और ये हो गई -1, 0, 0, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1, 1, -1, तो यही सेम जो आंसर है, यानी कि 1, 1, -1 ही आना चाहिए। तो देखो मल्टीप्लीकेशन करो, अब यार ये मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट मेरे को लगता है तुम्हें आते होंगे ना। तो 0 को 1 से किया तो कितना बनेगा, 0, फिर 1 को 1 से किया तो कितना बनेगा, 1, फिर 0 को 0, फिर 0 को 0 से 1 से 0, 0 को 1 से फिर से 0, और 1 -1 को -1 से कितना हो गया, +1, फिर -1 को 1 से -1, 0 को 1 से कितना हो गया, 0, और 0 को -1 से कितना हो गया, 0। आपके पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन √3, ये आ जाएगा 1
वन और माइनस। करेक्ट ऑप्शन वापस से वही आ गया जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा रियल होती है, ध्यान रखना है, सिंपल से याद करने वाले क्वेश्चन है। हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है, रियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द मैट्रिक्स ए 1/√3 1 1 - i। क्या करना है हमें, ये बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है। देखो ऑर्थोगोनल के लिए तो क्या होता है, ए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 आए, और उसके अलावा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाए ए इनवर्स। यूनिट्री के लिए ए ए डैगर इक्वल्स टू 1, तो ए इक्वल्स टू हो जाए ए डैगर इक्वल्स टू हो जाए ए इनवर्स। सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए ए इक्वल्स टू ए टी और ए आई जे मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है, सिमेट्रिक एलिमेंट्स है, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। और एंटी सिमेट्रिक के लिए ए ए टी, एंटी सिमेट्रिक के लिए होता है ए इक्वल्स टू ए टी माइनस में, और ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। तो आप इसमें से इसको चेक करो यूनिट्री को, यूनिट्री के लिए आपको बनाना पड़ेगा ए डैगर, डैगर जब इसका बनाओगे, डैगर का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट, तो ये लिखा जाएगा 1/√3। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि पहले ट्रांसपोज करोगे कंजुगेट, कुछ भी आप कर सकते हो। कंजुगेट का मतलब है जो आयोटा वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, उसमें जहां प्लस लिखा है उसको माइनस कर दो, जहां माइनस लिखा है उसको प्लस। पहले मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये बनेगा 1 1 - i, और ये बन जाएगा 1 + i, और ये बन जाएगा -1 ही रहेगा। अब इसका कंजुगेट करोगे तो जहां आयोटा प्लस का है वहां माइनस का कर दो, जहां माइनस का है वहां प्लस का कर दो, यानी कि ये हो जाएगा माइनस आयोटा और ये हो गया प्लस। अब आप ए ए डैगर इक्वल्स टू 1 ले, ए ए डैगर ए की वैल्यू ये है, तो 1/√3 1/√3 हो जाएगा 1/3। इनको मल्टीप्लाई कराओ, 1 + i और ये है 1 - i -1, तो इससे ही मल्टीप्लाई कराओ, 1 1 + i, 1 - i और माइनस। इनको जब आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, क्रॉस आपको प्रोडक्ट कराना है इसका, और प्रोडक्ट कराओगे तो यहाँ से निकल के आएगा 3, और ये जो है ये बन जाएगा 1 0 0 1, इस तरह से बने। इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डीजनरेट आइगन वैल्यूज, डीजनरेट का मतलब होता है इसकी सेम वैल्यू कौन सी है ना, तो सेम वैल्यू लानी है हमें, तो उसके लिए आपको कैसा करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 के। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 4 - λ - -1 - 1 - 1 4 - λ - -1 - 1 - 1 और 4 - λ, और ये किसके बराबर हो, 0 के बराबर। अब इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट, लैम्डा क्यूब इक्वल्स टू -12λ² और प्लस ये बनेगा 45 और -50 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा -2, लैम्डा -5 और लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दो वैल्यू सेम आ गई, लैम्डा लैम्डा इक्वल्स टू 5, ये क्या हो गया, डी जनरेट। अगर कोई सॉल्यूशन सेम आ रहा है तो वो डी जनरेसी शो कर, यहां पर क्या हो गया, डी जनरेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, तो आइगन वैल्यूज हमें चूज करनी है, इसको ऑप्शन से आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो सम ऑफ आइगन मैट्रिक्स, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सॉरी सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका सम। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो गया, मान लो इसके आइगन वैल्यूज है λ1 λ2 λ3, उनका जो सम है वो ट्रेस, ट्रेस का मतलब क्या हो गया, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना हो गया, 0। यहां से देख लो कौन सा बेटर है, ये तो 0 हो नहीं रहा, 0 - √2 ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा, तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा ना। तो मैट्रिक्स के काफी सारे क्वेश्चन तो ऑप्शन देख के सॉल्व हो जाए। अब ध्यान रखना कि आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस के बराबर होगा, उनका प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के बराबर होगा, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके इनसे दो कंडीशन से सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी, तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, ए ए डैगर इक्वल्स टू 1,
या फिर ए डैगर इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ ए डैगर इज इक्वल्स टू ए इनवर्स लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, रियल ट्रेस लेस 4x4 यूनिटरी मैट्रिक्स, 4x4 की है और ट्रेस लेस है, तो फॉर ट्रेस लेस मैट्रिक्स, ट्रेस लेस मैट्रिक्स के लिए का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ट्रेस लेस मैट्रिक्स का मतलब है कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 ये किसके बराबर है, 0। गिवन है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2, इफ लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 और लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू प्लस 1 है, तो लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 भी किसके बराबर होंगे, 0, क्योंकि आपस में दोनों 0 हो जाएंगे। लैम्डा 3 और लैम्डा 4 की वैल्यू इस तरह से होगी, उनका जो समेशन है वो 0 आता है, वो पॉसिबल कौन सा दिख रहा है, वो डी ऑप्शन केवल पॉसिबल दिख रहा है ना। तो फ्रॉम अबव सॉल्यूशंस, फ्रॉम अबव ऑप्शंस, अबव ऑप्शंस लैम्डा 3 अगर माइनस 1 लेता हूं तो लैम्डा 4 कितना हो जाएगा, 1। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का ही, 3x3 हैज मैट्रिक्स हैज एलिमेंट सच दैट, 3x3 की मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट इस तरह से कि उनका ट्रेस 11 है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इक्वल्स टू हो गया 11, और डिटर्मिनेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इक्वल्स टू 36। अब हमें वैल्यूज इस तरह से लेनी है, उनके प्रोडक्ट 36 आ जाए और उनका सम 11 आ जाए। अगर मैं 18 लेता हूं तो 18 तो कैसे भी पॉसिबल नहीं होगा, 12 लेता हूं तो वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 9 या 6। तो अगर मैं 6 लार्जेस्ट वैल्यू लेता हूं, 6 अगर मैं लार्जेस्ट वैल्यू लेता हूं तो दूसरी जो पॉसिबल वैल्यू है वो बन सकती है कौन कौन सी, अगर 6 लार्जेस्ट वैल्यू लेता हूं मैं तो इफ 6 इज लार्जेस्ट तो 36 कैसे कैसे आ सकता है, 6 और 6 और 0, पर यहां पर सम 11 आना चाहिए यानी कि ये कैंसिल हो गया। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं लिख दूं 6 और 3 9 है ना और 2, तो यहां से बनेगा 6 3 18 18 2 36, तो 6 3 और 2, 6 और 3 और 9 और 2 11, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि 9 प्लस 2 9, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। एक पॉसिबिलिटी हम क्या बना सकते हैं, एक बना सकते हैं हम 9, एक वैल्यू ले लूं मैं 9 प्लस 1 प्लस 1, यहां से नहीं बनेगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। 9 अगर लार्जेस्ट में ले रहा हूं तो 9 प्लस 2 प्लस 0, तो ये भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, 6, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी बन रही है, 6 18 18 18 18 2 36, और इनका सम भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 6 और 3 9 और 2 11, तो 9 में भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, पॉसिबिलिटी कहां बन रही है, केवल इस वाले डी ऑप्शन में बन रही है, 6 इसका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर है ना। 12 तो वैसे ही ज्यादा हो गया, 18 ज्यादा हो गया, 9 के कॉम्बिनेशन में दो पॉसिबिलिटी है, 9 1 1, तो 9 1 1 का मल्टीप्लीकेशन 9 आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है 9 2 0, 9 2 0 के कॉम्बिनेशन में कितना आएगा, 0 आंसर आ जाएगा, वहां पर भी नहीं बन रहा ना, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले तो जो ट्रेस है, ट्रेस जो है उनका सम किसके बराबर आना चाहिए, 5 5, निकाल के देखो कहां से आ रहा है, ये 5 बन रहा है, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, यानी कि ऑप्शन या तो ए है या सी है। और अब ए और सी में से चेक करना है, डिटर्मिनेट निकाल के देख लो, उसका डिटर्मिनेट का मल्टीप्लीकेशन, डिटर्मिनेट की वैल्यू आइगन वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आनी चाहिए। तो इसका जब डिटर्मिनेट निकालोगे तो वो क्या लिखा जाएगा, 2 और 2 माइनस 0 माइनस 3, और वो बनेगा 3 माइनस 0, और 1 बन जाएगा प्लस 0, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 9, तो कितना बनेगा, -5। मल्टीप्लीकेशन -5 किस में पॉसिबल है, केवल जो ऑप्शन सी है उसमें पॉसिबल, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पी 0 iota iota 0 r, तो इसकी आइगन वैल्यूज बतानी है। आइगन वैल्यूज का जो सम है यानी कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 वो 0 हो, जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर आए, 1 के बराबर, क्योंकि इसका जब आप डिटर्मिनेट निकालोगे, इसका डिटर्मिनेट निकालोगे तो वो कितना बनेगा, 0 और माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1। वो पॉसिबल कब है, जब
लेमडा वन और लेमडा टू, लेमडा वन आयोटा है तो लेमडा टू माइनस आयोटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट वैल्यू। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी। तो लेमडा वन अगर मैं आयोटा लेता हूं तो लेमडा टू कितना हो जाए? माइनस। फिर आओ कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है आर्बिट्री मैट्रिक्स, आर्बिट्री मैट्रिक्स ई एफ जी एच, इफ ई एफ माइनस एफ ई, ई एफ माइनस एफ ई इक्वल्स टू जीरो है तो हम क्या लिख सकते हैं? ई एफ इक्वल्स टू एफ ई, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ ई एफ जी एच को हम क्या लिख सकते हैं? इसको ई एफ को एफ ई लिख सकते हैं, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एफ ई जी एच ना, एफ ई जी एच ऐसा भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा इसको हम क्या लिख सकते हैं? उसके अलावा लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ई जी एच, ई जी एच एफ एक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो गए ना ये। अ 3x3 मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज 0, 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। तीन आइगन वैल्यू दे रखे, एक है 0, एक दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा और एक दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा। ये तीन आइगन वैल्यू दिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इनका डिटर्मिनेट निकालो। डिटर्मिनेट किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट के बराबर। तो डिटर्मिनेट निकालो, डिटर्मिनेट आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कितना हो गया? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर एंगल के साथ वैल्यू बताइए, तो यहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब कैसे करोगे इसको? करोगे cos थीटा माइनस लेमडा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस लेमडा, ये हो गया 0। अब इसका डिटर्मिनेट निकालो। तो डिटर्मिनेट बनेगा cos थीटा माइनस लेमडा स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। इसको लिखा जा सकता है cos थीटा माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट हटाओगे तो cos थीटा माइनस लेमडा ये बन जाएगा प्लस माइनस आयोटा और साइन थीटा, ठीक है। आपको चाहिए लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। अब आप वैल्यू डालो, अगर थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री डालते हो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो ये बनेगा लैम्डा इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री प्लस माइनस आयोटा साइन 30 डिग्री। तो यहां से बनेगा कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री होता है रूट 3/2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा 1/2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर आयोटा माइनस 2 आयोटा। किसी भी अगर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज इमेजिनरी आ रही है तो वो कौन सी होती है? एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है ना। कौन सी होती है? एंटी हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन। तो आइगन वैल्यूज ऑफ एंटी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन आर इमेजिनरी। तो उसकी आइगन वैल्यूज जो इमेजिनरी होती है, एंटी हर्मिशियन की या स्क्यू हर्मिशियन की, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो इसकी आइगन वैल्यूज चेक करो आप। तो आइगन वैल्यूज अगर मैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 मानता हूं तो वो आना चाहिए 7, और जो उनका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आना चाहिए 5 × 10 6। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 6। तो वो पॉसिबिलिटी किस में बन रही है? केवल वो बन रही है ए या सी में। तो ऑप्शन बी और डी तो कैंसिल हो, या तो ए है या सी है। अब आपको निकालना है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कैसे निकालोगे? उसके लिए आप लिखो 5 माइनस लैम्डा 4, ये लिखोगे ना, ऐसा लिखोगे a माइनस लैम्डा आई, और इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। आपको ये निकालना है वेक्टर, तो हम वही कर रहे हैं। तो 5 माइनस लैम्डा
और फोर और वन टू माइनस लैम्बडा, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम एक्स वन और इसको एक्स टू, इनको मल्टीप्लीकेशन करो तो ये कितना बनेगा लैम्बडा की वैल्यू, व्हेन लैम्बडा इज इक्वल्स टू, लैम्बडा की दो वैल्यू हमारे पास वन और सिक्स, व्हेन व्हेन लैम्बडा इज इक्वल्स टू वन तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा फोर फोर वन और वन, और ये बनेगा कितना एक्स वन और एक्स टू इक्वल्स टू जीरो। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा फोर एक्स वन प्लस फोर एक्स टू, और ये बनेगा एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हमारे पास बनेगा एक्स वन इक्वल्स टू माइनस एक्स टू, यदि एक्स वन की वैल्यू हम वन ले तो एक्स टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन ना, तो यानी कि एक जो वैक्टर आ जाएगा हमारे पास वो तो आ रहा है वन और माइनस। अब हम रख देते हैं लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है दूसरी सिक्स, लैम्बडा की वैल्यू सिक्स रखते हो तो फिर ये बनेगा कितना माइनस वन फोर और वन और सिक्स माइनस टू माइनस सिक्स कितना हो गया माइनस, और ये हो गया एक्स वन और एक्स टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस ऑफ एक्स वन प्लस फोर एक्स टू इक्वल्स टू जीरो। एक्स वन इक्वल्स टू कितना हो गया फोर एक्स टू, एक्स वन इक्वल्स टू फोर एक्स टू। तो यदि आप x2 की वैल्यू 1 लेते हो तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी 4, तो x2 की वैल्यू 1 तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यार नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। द ट्रेस ऑफ 3 बाय 3 मैट्रिक्स इज 2, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इक्वल्स टू, टू ऑफ इट्स आइगन वैल्यू आर 1 एंड 2, द थर्ड आइगन वैल्यू, एक और आइगन वैल्यू है तो 3 बाई 3 किया तो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 इक्वल्स टू 2, तो 2 आइगन वैल्यू है 1 एंड 2, 1 प्लस 2 प्लस लैम्बडा 3 इक्वल्स टू 2, तो यहां से लैम्बडा 3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, माइनस 1 करेक्ट ऑप्शन हो गया माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स को ऑप्शन से ही करोगे, इसमें सम करके देख लो जीरो आना चाहिए, 3 4 माइनस 1 ये गलत, 2 1 माइनस 1 ये भी गलत, माइनस टू माइनस टू प्लस वन ये करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमें दिए 1 माइनस 1 0 1, इसका इनवर्स निकाल ले। देखो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स अगर आपको दी है ए बी सी डी, उसका अगर आपको इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, और इनको चेंज कर दो डी ए और इनको माइनस से मल्टीप्लाई, सेम कहानी यहां पर कर लो, तो 1 ये हो जाएगा 0, फिर इनको इंटरचेंज कर लो 1 1 और इनको माइनस से मल्टीप्लाई, ये हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया 1 1 0 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी डायगोनलाइज्ड साइमल्टेनियसली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यदि दो मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो रही हैं तो उसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी ए और दे मस्ट बी कम्यूट, दे मस्ट बी कम्यूट, एक तो करेक्ट आंसर क्या आ गया सी आ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कर लेना भाई जरूर, ये इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सिंपल भी है। अब मैथमेटिकल फिजिक्स के मैं डेली अपलोड करूंगा, अगले 3-4 दिनों में मैथमेटिकल फिजिक्स को कंप्लीट कर देंगे, तो जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एटलीस्ट वो कर लेना, उनमें से फर्स्ट आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।